अस्सलामुअलैकुम क्लास एट। आज मैं आप लोगों के साथ एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 10 शेयर करने लगी हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 2x प्लस 26। तो ये देखें, पहले एक्स स्क्वायर की वैल्यू है और फिर एक्स और फिर कांस्टेंट। तो ये वैल्यूज़ अपनी जगह पे ठीक है, इनकी तरतीब चेंज नहीं करनी हमने, बस ऐसे ही हमने इसके फैक्टर बनाने हैं। तो ये देखें, पहले 13 में से अगर हम इसमें से 13 एक्स कॉमन लेके एक फैक्टर हमारा बन जाए एक्स माइनस 13, तो अगला तो इस तरह नहीं बनेगा, अगला भी वैसे बन जाएगा, यहाँ पे भी एक्स माइनस 13 आ जाएगा। तो मैंने इसको इजी करने के लिए यहाँ पे 2 को इसके साथ लिख दिया है। बात एक ही है, चाहे आप 13 के साथ भी, अगर 13 में से हम कॉमन लेते एक्स माइनस 13 हो जाता और माइनस का 2 बाहर आ जाता तो एक्स माइनस 13 अगला भी हो जाता, तो उस तरह भी ठीक है। मैंने 2x को इसके साथ लिखा है और माइनस 13x को 26 के साथ। तो एक्स स्क्वायर एंड माइनस 2 में से हमने x कॉमन लिया और मैंने यहाँ पे x बच गया, और माइनस 2x में से हम x कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ पे x इंटू एक्स माइनस 2 इसका फैक्टर बन गया। अब 13x प्लस 26 में से हमने 13 को कॉमन लिया, क्योंकि यहाँ से हम x कॉमन नहीं ले सकते, 26 के साथ तो कोई x नहीं है, तो इसलिए कांस्टेंट को ही कॉमन लेंगे, माइनस 13 इंटू एक्स, और माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे मैंने माइनस लिखा है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ के फैक्टर बनाते हैं तो अगर मल्टीप्लाई उसी के साथ करें तो दोबारा वही आंसर आना चाहिए। जिस तरह ये मैं फैक्टर बना रही हूँ तो आंसर तो माइनस 13x प्लस 26 आना चाहिए इसका। माइनस 13 इधर कॉमन ले लिया है, मैंने यहाँ पे x बच गया, और माइनस माइनस यहाँ पे माइनस लिखूँगी, क्योंकि माइनस को जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस बन जाएगा, और 13 जब 26 में से 13 कॉमन लेंगे तो 26 को 13 पे डिवाइड करेंगे, 13 टू द 26, तो x माइनस 2। अब x माइनस 2 और x माइनस 13, x माइनस 2 टू टाइम्स है और x माइनस 13 वन टाइम्स, तो ये आ गया है हमारे क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।